वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का दिन है इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज है वुमेन्स डे, सो विशिंग ऑल द वुमेन्स वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। एंड हम घर वापसी आ चुके हैं, सुबह से शाम तक आराम हो चुका है, बट अब आराम खत्म क्योंकि मुझे कुछ पब्लिक की डिमांड है यार। पब्लिक की नहीं है, वाइफ की डिमांड है। हाँ ऐसा कह लो, ऐसा कर लो कि वड़ा पाव खाना है, तो यार आज इन मम्मी और क्या कहते हैं शिफाली के लिए वड़ा पाव बनाया जा रहा है और लोग तो उठाएंगे सारे घर के, इनके नाम पे सारे पे लेंगे वड़ा पाव। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं भी इंक्लूडिंग मी, तो मैं वड़ा पाव बनाने जा रहा हूँ। ये देखो ये मार्केट में क्या हो रहा है, काली टैनिंग हो गई है मालदीव से वापसी आके, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा। यहाँ फेस पैक लगाया जा रहा है, और इसके फेस पैक में पता पिस्ते की वो आ रही है खुशबू, पिस्ता आइसक्रीम की। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। मेरे नाक बदन में पता नहीं। चलो कोई नहीं, तो पंडित जी ने बोला था शादी के टाइम पे कि सारी चीजों में भागीदार होना है, तो मैंने सोचा कि हम पीछे क्यों हटे, तो मैंने भी लगा लिया। वो अच्छा, है बैंड, हेयर बैंड लगा रखा है। अच्छा, तो मैंने कहा क्यों ना साथ दिया जाए। चलो अजवाइन कहाँ है? अजवाइन मुझे क्या पता, देख लो कहीं होगी। अभी क्या डाला आपने इसमें? सॉल्ट और बेसन है ना, ये बेसन ज्यादा नहीं है अंशु यार? नहीं नहीं, इसकी वो भी बनेगी एक्चुअली ग्रेवी। नहीं नहीं अरे वो पकौड़ी सी बनेगी यार। पकोड़ी? हम कैसे से देखिए कैसे ब्लॉग शूट कर रहे हैं। कोई नहीं, बस 10 मिनट में मुंह धो लेना, लेकिन आपको इसे बनाने में टाइम लगेगा। इसका अगला जो शूट करूंगी वो विदाउट मास्क करूंगी। आलू उबल गए हैं, PS ये आलू मैंने डाले हैं बॉयल होने के लिए। तो यार मैं सामान नहीं लाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है, पाव भी बेक करूंगा मैं घर पे। वैसे कर सकते हो तो बहुत बेटर। इसमें आपने क्या डाला? टेस्ट फिट हो गई है पूरी सारी। हाँ वो फूड ब्लॉगिंग में ऐसे बोलते हैं ना, सीक्रेट मसाला डाला मैंने। सीक्रेट? कोई सीक्रेट मसाला डाला? बताओ ना क्या डाला। अरे अजवाइन और नमक डाला यार, बस अजवाइन और नमक और ठीक है। ओके, शादी के अगले दिन मेरी पहली रसोई हुई थी, आज आपकी पहली रसोई है। नहीं आप क्या, मतलब वैसे तो आपने बनाया है लेकिन ऐसे ढंग की वाली, मतलब कुछ ढंग की चीज बना रहे हो, ऐसे वाली पहली रसोई है। पोपट ना हो जाए क्यों? जो मैंने पहली बार बनाया था ना वो तो बहुत ही बढ़िया बने थे। ऐसा जान हो सकते रिव्यू ले तुम, बहुत बढ़िया बने थे। हाँ बता चुके हैं मुझे, दी भी नहीं है घर पे, बहुत बढ़िया बने थे सबने। इनफैक्ट डिनर ही नहीं करा था किसी ने। अच्छा आप पता नहीं क्या बनेंगे, अच्छे बनेंगे, डोंट वरी। सो फार इसने बेसन से बूंदी बना दी। ये बूंदी आपकी इवन नहीं बनी है क्योंकि बेटा ये मंगलवार को प्रसाद नहीं चढ़ा रहे ना, ये किसी और काम के लिए यूज होती है तब भी। और मैं बेशक मानता हूँ कि मेरा पेट थोड़ा हलवाई जैसा हो रहा है, लेकिन लेकिन मैं हूँ तो नहीं हलवाई। ठीक है, तो ये बूंदी जैसे तैसे इसे बना दी है, और ये इसने डाला है पीनट्स प्लस अंशु हमने छिलके के साथ डाल दिया। हाँ तो ऐसे ही करा जाता है। ये आप क्या बना रहे हो? व्हाट इज दिस? गन पाउडर बनेगा। गन पाउडर विदाउट गन? जो वड़ा पाव में वो नहीं होता लाल वाला पाउडर जो होता, तो लाल वाले में अच्छा मूंगफली बना दी उसमें। वेरी नाइस, एंड बेसन का बैटर इज रेडी। बैटर बैटर दीदी वीडियो कॉल है, देखो दी वड़ा पाव बन रहा है, आ जाओ। मैंने बोला है वड़ा पाव, मैंने इसको बोला, मैंने कहा वड़ा पाव बन रहा है, कहती उसी जो बनाया था, मैंने कहा खा ले, मैंने इसको बोला आजा खा ले, देख बना रहे हैं। हैप्पी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू, हैप्पी वुमेन्स डे दी। थैंक यू। यही हूँ यही हूँ। पचेचो इज रेडी, बेसन इज ऑल्सो रेडी, गन पाउडर इज ऑल्सो रेडी। अब बताओ इसमें गन पाउडर में क्या क्या डाला आपने? वो पीनट और वो तो देख ही लिए थे, सॉल्ट पीनट्स और बूंदी, और वो भी लहसुन भी छिलके के साथ, छिलके के साथ, छिलके के साथ।
तो उसको इसने रोस्ट करके, रोस्ट क्या क्या किया था, पीनट और गार्लिक है ना विद सॉल्ट, ठीक है। अब ये पिस गया और बेसन इज रेडी, पोटैटो इज रेडी, ऑयल इज गोइंग टू बी रेडी, सब्जी बनेगी। मुझे लगा आप यही से ही बनाओगे, कच्चा नहीं होता वो, पका हुआ एक काइंड ऑफ तड़का लगता है। ओके, ये बन गए हमारे आलू। आलू में क्या क्या डाला आपने? नमक, हल्दी, कड़ी पत्ता। तो पहले नमक डाला फिर कड़ी डाला, ऑयल ऑब्वियसली, हाँ, उसके बाद उसमें राई। अरे जैसे वो डोसे के लिए आलू प्रिपेयर नहीं करते क्या? बिल्कुल वैसे ही करना, कड़ी पत्ता, ये जो साउथ इंडियन तड़का लगता है वो लगा के, उसके बाद नमक, हल्दी और देन पुट आलू, है ना। इसको पकाना तो नहीं है ना, थोड़ा सा वो बस मिक्स करना है, मिक्स करना होता थोड़ा सा। चलो ठीक है, ऑयल इज ऑल्सो रेडी है ना, गैस चल रहा है, हाँ ठीक है। और साथ साथ मैं बना रही हूँ चटनी, आई डू नॉट सपोज टू वर्क, बट कोई नहीं, इतनी हेल्प करते। चटनी लेके खरीद के आया बाहर से, लेकिन हम हमने सोचा कि हम घर में बना लेते हैं, है ना। One eternity later. पहला बैच वड़े का बाहर आ गया, सो हाउ यू आर मेकिंग इट शो, कैसा लग रहा है देखो दिखने में? वड़े जैसा। मतलब आप कह रहे दिखने में कैसा लग रहा है, और दिखने में तो ही बड़े जैसा ही लग रहा है, मतलब कैसे, मतलब क्या खाने में पूछना ना कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो यार दिख ऐसा ही होना चाहिए, टेस्ट में होना चाहिए मेन तो। सो अभी इसने आलू का गोला बनाया, बेसन में डाला, और इसको आपने बेसन बहुत ज्यादा घोल दिया, पता आंच बढ़ा देना, आंच बढ़ा दिया, बढ़ा दी। ओ ऐसा बनता है, ऐसे बनता है, सॉरी। आप कह रहे थे इट्स इजी टू मेक, टिक्की मैंने जो बोली थी कब से बन जाती, खा भी लेते हैं, बट टिक्की में मजा नहीं आता ना, मेरे को टिक्की में क्या ही मजा आता, कोई फन नहीं अपने लिए। आई थॉट इट्स फॉर अस। हाँ तो तुम्हें बढ़िया चीज खिला रहा हूँ टिक्की से। हाँ ठीक है, बड़ा हम पाव हमारे गर्म हो रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, और यहाँ पर अभी एक लगना स्टार्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे, सी क्यों, इट वाज माय जॉब ना, तो आप लगे रहोगे तो आपको देनी लगेगी, बट यू सपोर्ट। हाय मम्मी एक मिनट, हेल्पिंग मी, चटनी है यहाँ पर, कौन सी चटनी है, कैसा बना है? बहुत स्वाद बना है, बहुत अच्छा बना है। रुको मैं एक और प्लेट लेके आ गया, बस बेटा बस यही, क्यों एक एक तो और लोगे ना, नहीं नहीं आप नहीं खाएगा फिर रोटी, फिर खाना नहीं खाओगे, हाँ जब दोनों मिलके बनाते हैं तब और भी टेस्ट आता, हाँ तो पास, इसमें प्यार भी है, बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी दोनों का ही है, हाँ इसने, हाँ शिवाली ने, शिवाली ने भी हेल्प की, बिल्कुल दोनों स्वाद भी बहुत है, बहुत बढ़िया, टेस्ट करो बताओ कैसी बनी, कैसा बना है, तुमने कराया तो टेस्ट मेरे को, अच्छा था बहुत, अच्छा नहीं मैंने कहा पूरा ढंग से करोगे टेस्ट तो पता चलेगा आपको। पूरे ढंग से करूं टेस्ट, बाल सही करना, मेरे बाल सेट करो, ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। मेरी टैनिंग हटा दो, देखिए और बिगाड़ दिए मेरे बाल, मैंने कोई नहीं बिगाड़ा भाई। हाँ तो हमने क्या कहते हैं डिनर कर लिया, डिनर में हमने वड़ा पाव खाए, रोटी खाने की हिम्मत नहीं हुई, देखो उबासी दे रही है ब्लॉग में। बंदे भी बोलेंगे कि खुद ही क्या कहते हैं बोर होते हैं हमने ब्लॉग बनाते बनाते। मस्त जोक मारा रे, हंस रहे हलकट हंस। नहीं नींद आ रही है, मैं अभी छह कपड़े पहन के मेरी कमर दुखने लग गई। ओहो ट्रैवलिंग तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वहां से वापस आके मैं थोड़ा बाल तो ठीक कर दो यार, उधर कर दो प्लीज, है कर तो दिए मैंने वैसा। हाँ तो ट्रैवलिंग पे जाने में तो बहुत मजा आता है, बट व्हेन यू कम बैक थोड़ी रिकवरी में टाइम लगता है। किस चीज की
मतलब कहीं से भी घूम घाम के आओ ना तो थोड़ा एक दो दिन लगते हैं ना रिकवर होने में. हाँ, I'm sorry, so tired. I don't know, you are fine, यार. एक तो मेरे को तो अपने क्या कहते हैं कलर का ही रंग सताया है. How me fine? मैं कैसे fine? Yeah, because you don't have that much of cold which I have. You don't have that much of tanning which I have. और मैं तो international trip मारता रहता हूँ. आप भी अपने मतलब वाइफ के लिए अपनी मम्मी के लिए कुछ भी कर सकते हैं एक दिन के लिए. जस्ट डू समथिंग. इट डजंट मैटर दैट यू हैव टू यू नो बाय हर गिफ्ट और ऐसा कुछ. इट डज मेक हर स्पेशल. मेंस डे भी ऐसे करना चाहिए. हाँ, व्हाट डू थिंक? Obviously, yeah. Equality होनी चाहिए. Equality. आता कब है मेंस डे? देखा? अच्छा, वुमेंस डे कौन सा याद होता है कब आएगा, लेकिन एक दिन पहले पता चल जाता है. वुमेंस डे में जितनी हवाबाजी होती है ना, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस, होनी भी चाहिए, बट उतनी मेंस में नहीं होती है. अरे यार, उनकी भी फीलिंग होता है, उनकी भी इमोशंस. देखो देखो देखो, अभी क्या होता है वुमेंस डे पे, जैसे यू कुक्ड, ठीक है. तो ऐसे मेंस डे पे लड़कियां ऐसा क्या करें कि हाँ, दैट विल मेक यू गाइस. जो भी यार, ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब देखो, कुकिंग इसीलिए, मतलब ठीक है, कुछ बना के मैंने इसलिए खिलाया क्योंकि काइंड ऑफ जैसे मम्मी बनाती रहती है ना ऑल द टाइम, तो जस्ट उनके लिए एक काइंड ऑफ ट्रीट हो गई है ना, उनके लिए एक अच्छा हो गया. तो लड़कियां क्या करें? तो वही तो, अब लड़के जैसे जो भी कुछ पापा के लिए. यार ये तो अब ये भी लड़के ही सोचेंगे तो फिर क्या बात रही. तो क्या एक दिन काम पे चली जाए? ये तो लड़कियां सोचे ना. नहीं तो एक दिन काम पे चली जाए उनके लिए. नहीं, कुछ भी करें. ओके, शी इज वॉचिंग फ्रेंड्स, आंखें बंद करके ऐसे मुंह पे हाथ रख के. तो अब हमें व्लॉग यहीं एंड करना पड़ेगा बिकॉज शिफाली बहुत थक चुकी है और ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं. वुमेंस डे खत्म होने वाला ना. हाँ, वुमेंस डे खत्म होने वाला. हाँ, वुमेंस डे ओवर, सो वी हैव टू एंड दिस व्लॉग. भेल बनाने रात को 12 बजे. हाँ, जानू से मैंने पूछा वगैरह, वो भी खाएगा, तो मैंने कहा ठीक है. नाइस, वेरी नाइस. चलो ठीक है, तुम भेल बनाओ. सो वी आर एंडिंग द व्लॉग. इफ यू लाइक आवर वीडियो, if you like our vlog, then please like, share and subscribe to our channel. Our channel. And please take care of your woman because they love you so much. Take care of your woman, everyone. Already you take do. Care, you take care, you take care of your woman too. Sab karte hain. You take care of your woman too. Alright, thank you for watching. Bye bye. Bye bye.